मतलब बैठने दे। हाँ आगे ना बच्चे बैठ जा। सारी ना आगे बैठ के जावे है तू। शर्म कर ले थोड़ी सी। आगे जा लौट जाओ उठ आगे। हाँ बच्चे बैठने दे। वो बैठने दी मना तू। मुख को ये ना छोटी बच्ची है। वेलकम टू पवार फैमिली ब्लॉग्स। और आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे और ठीक ही होंगे हैं भाई निशांत। हाँ। और आज का प्लान कुछ इस तरह है, हम गोहाना जान लाग रहे हैं। हमारे साथ पापा हैं और पापा जा रहे हैं ड्यूटी पे। हमने मतलब पापा का मैं देखे था, हमने एक एक वॉच दिला के लाऊंगा और कुछ और शॉपिंग भी करनी है। तो फिर भाई चलो हम भी घर आए, बड़े बड़े बोर से होने लग रहे थे तो आज ईब हम जान लाग रहे हैं। और निशांत भाई जब भी वीडियो बनाने लगा ना तो कहता मैं के पैरू मेरे तरह है ही नहीं। ईवी भी इसकी एक पेंट गायब हो रही है, बिरानी की छोड़ गा रहा है, शायद मामा का रह गया वगैरह की दे पड़ी है। और एक पेंट कती मतलब हम 6 महीने पहले एक फंक्शन में गए थे, ऊड़ा छोड़ आया था, यह नई पैंट छोड़ गया, वे वापस भी नहीं आती। सिर्फ एक बार पहनी थी उस फंक्शन थी, खरीदी थी वह स्पेशली पैंट। नू भाई कपड़े गुम करता रहेगा तो भाई इतने ला के देते रहेंगे हम, फ्री क्या है। मैंने थोड़ी गुम करे कदे भी अपने कपड़े ने नू नहीं संभाला करा। अगर हम बाहर जान लग रहे ना तो इसकी पैकिंग हमने करनी, ऊड़ा तो संभाल के इसके कपड़े हमने लाने, ऊड़ा काट के इस तलते हमने देने, भाई यो पहन ले तू, इतना कोई ख्याल रखे अगर थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट हो जा भाई। हम सारी जगह थे तेरे गिल्ला थोड़ी रहेंगे। कोई ना जबती हो जबती तक रहो। और फिर ईब तो रुक खुएं खुएं है, आगे कती दाऊ खोया करेगा है नी। मैं खोंदा को नहीं, वो तो मैं ऐसे ही दान सा कर दे है, जिस जाओ उड़े दान कर कावे एक पेंट है नी। हम भी बड़ौदा गांव में आ गए हाँ। और इस गांव के बाद कौन सा गांव आओगे पापा? गोहाना। इसके बाद सीधा गोहाना। अरे ईब की बारी, हम दूसरे रूट पे गए हैं वरना तो दूसरे पे गए करते। बेरा ही नहीं थी। बेरा है मने। हाँ, मैं तो कहती पूछे थी के चीज के इस तरह कौन सा गांव आओगे। वो ना बेरा था, वो बेरा था, वो कुछ हुए ऐसे रोड राडा का इतना ज्ञान ना मने। यो है बड़ौदा थाना। यो हाईवे निकालन लाग रहे हैं और जो कि NH1 की बर्डन कम करती है। यो पंजाब में कहो का निकलेगा, दिल्ली तक जम्मू कश्मीर जाओगा NH1 पर घना ट्रैफिक जावे है तो उसका थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत दिहाड़े का चला जाएगा। जाती है निकालने, देखो कितने दिन हम तैयार हो। गुआने में एंट्री होगी है अपनी। यो है छोटू राम चौक। इस तरह शूज़ दिलावा। हाँ इस दौरे शूज़ भी ना रह रहे, शायद एक के जोड़ी हैं, उन्हें भी कई जगह मैले हो गए। मखा भाई ले ले तू जूते ले पहला। इसकी पेंट देख कर बताओ किसी है। टी शर्ट तो भाई तेरी पसंद आई, बताने घनी ढिली सी फील हुआ है, ठीक है नी। फिर वो मैंने मार्डी ने बताया उससे, भाई तू खड़ा हो जा रहा है।
पापा आराम से बैठे हैं, हमें देखना पड़ रहा है कि किसी लगी टी शर्ट भी पसंद आई, पेंट ना चाहिए और लोअर कुछ भी नहीं चाहिए, कह दे जा गए तब नहीं कह रही है, मैं नहीं कहूँ किसी और देना लेनी है नहीं लेनी ना निशान तो और भाई तू इस पैंट से फिट मैच का मुंह थोड़ी मटेरियल खराब है, फिर जब मैं बताऊंगा जिस दिन तू लेते ले आएगी ना मैंने कितनी देर में सिलेक्ट कर लिए अपने कपड़े बताइए, क्यों बढ़िया होगा फिर तुम्हें, ओहो सब कुछ बढ़िया है, पापा ना दिखा दे दिखा रहा जा आगे जाके पापा एक पेंट और ड्राई करिए इसमें फोल्ड करके दिखा भाई, नॉर्मल पूरा लुक दिखा, नू ना चाहते काम और के दिखाऊंगा फिर मैं फंक्शन में, अपन ड्रेस तो दिखाई को क्या कि दिखाई है तेरे कपड़े, ये तो तेरे घर आ पैरेंट के हैं, घर आ पेंट पर है, अरे फिर भाई यार थोड़ी सिलेक्ट थोड़ी कर ली, 10 पेंट दिखा के अपन नु कहवांगे गेस करो कौन सी ली है बता, नीचे तो फोल्ड करके दिखा, फोल्ड पर इनका एक कमी है, इनमें तुम्हारे पास नहीं लगा सकते, या कर ली भाई शॉपिंग है, ये कस्टर्ड पाउडर इसके साथ हम जमाएंगे आइसक्रीम फ्री, अच्छा 30% एक्स्ट्रा लग तो इसी तरह रखा बनाने के फ्री दे में है, एक फोटो फोटो खिंचवा है या छोरा फोटो ही दे, एक बार मुंह का ढीला हुआ है भाई, सुथरा आवे है फोटो खींच, भाई ई बागे हाँ घर और घर के थोड़ी देर होली निशान ला गया है पढ़न छुट्टियाँ का काम करना, अगर हाँ का हमने किए देखा है, मेरी मम्मी इतनी गर्मी के अंदर भी चाय बनाने लग रही हैं, चाय बनाने लग रही है, मैं हाँ मम्मी चाय इतनी गर्मी में चाय पी कमर हो गए के मजा आवा चल चाय पी के मजा, चाय पी के किसी ने मजा आया कर रहा है, हम तो गर्मी में आई मैं तो एसी नीचे बैठी हूँ, हाँ एसी नीचे काचे काट रहे थे आपको, वैसे भी गर्मी को गर्मी ही मारती है, चाय पी लो सारे चाय चाय, भाई मैं ही व्लॉग ना यारे एंड करूँ हूँ, बाय बाय, और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और एक इंसान एक भाई ने मेरे तेनों कही थी कि अपना फेवरेट कलर और फेवरेट कंट्री बताओ, तो मैंने उससे तेनों कही थी कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, तो भाई मेरा मेरी फेवरेट कंट्री तो है इंडिया, बिकॉज अपनी कंट्री तो बढ़िया कंट्री कौन सी होती है, और फेवरेट कलर की बात आई तो फेवरेट कलर ब्लैक है, बिकॉज एक ब्लैक के कलर ऐसा है जिसने कौन से भी कलर गिल्ला मिक्स कर लो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, दलना बदलता जब ब्लैक कलर मेरा फेवरेट, और सारी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाय।